All right, we're shifting our focus, or rather starting off the broadcast with everything related to the parliament. Let's shift across to the fact that Mallikarjun Kharge is speaking right now. Let's listen in. हम प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट की अपेक्षा कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। वही इसमें हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब 4-5 दिन हो गए प्राइम मिनिस्टर आ रहे नहीं और बैठे जगह इसी पार्लियामेंट में अपने ऑफिस में बैठ के सब देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे। और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती, हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं इस उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। Before I call Honorable Arjun Munda, मैंने आग्रह किया था माननीय नेता विपक्ष से कि वो चेयर की भी बात सुनेंगे। आप माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन का जो नियम है, आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई, प्लीज सुनकर जाए, मेरा आग्रह है। प्लीज सदन का जो नियम है, प्लीज आप सुने, प्लीज सदन के नियमों के तहत जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसी पर आप बोल सकते हैं। ये नियम, रूल्स प्रोसीजर जब से हाउस बनाया चल रहा है, आज आवाज उठ रही है। इस रूल्स और प्रोसीजर को बनाने वाले कौन लोग थे, ये देश को पूछना चाहिए। उसी रूल्स और प्रोसीजर के तहत चल रहा है। मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि रूल 110 स्कोप ऑफ डिबेट से रिलेटेड है और रूल 240 जो स्पीच के इरेलिवेंस और रिपीटेशन से संबंधित है। ये मैंने कल बार-बार रिक्वेस्ट किया, आज भी कह रहा हूं, और यही 62-63 में जो आपके रूल्स बने तब से ये व्यवस्था चल रही है। आज ये लोग कह रहे हैं ये गलत चीज, चेयर चूंकि बोलता नहीं इसलिए मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं। प्लीज माननीय श्री अर्जुन मुंडा टू मूव ए मोशन फॉर कंसीडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल माननीय हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को शामिल करने का उपबंध करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। आप कुछ बोलना चाहेंगे माननीय मंत्री? सब मोशन मूव्ड। नाउ आई विल कॉल अपॉन द मेंबर्स हुज नेम्स हैव बीन रिसीव्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन। श्री सुशील कुमार गुप्ता, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती ममता मोहंता, प्लीज बोले। धन्यवाद। माइक सर, धन्यवाद महोदय। मैं आपका आभारी हूँ जो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल 2022 हिमाचल प्रदेश इस महत्वपूर्ण बिल, जनहित बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। इसके साथ मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मंत्री जी अर्जुन मुंडा जी को, जो समाज के स्वतंत्र वर्ग अपना हक वापस देने के लिए इस बिल को आगत किए हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी इलाका में हाथी संप्रदाय को अनुसूचित जनजाति तालिका में शामिल करने के लिए ये बिल आगत है। हिमाचल प्रदेश हाथी संप्रदाय की तरफ से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। महोदय, दी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 3rd अमेंडमेंट बिल पर आलोचना हो रहा है। इस हाथी संप्रदाय आदिवासी मान्यता के लिए बहुत साल से लड़ाई कर रहे हैं, जो समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के साथ साथ सामाजिक और अर्थनैतिक प्रगति में आगे आना चाहते हैं। सर, केवल एसटी लिस्ट में ये समुदाय को शामिल करने के आदिवासी समुदाय को लाभ नहीं मिलेगा। ट्राइबल टैक्टर्स के साथ साथ आदिवासी समुदाय के लोगों के जीवन में उन्नति करना होगा, उनके उत्तम शिक्षा देनी होगी, उनका विकास करना होगा, उनका उत्तम जीवन यापन करने के लिए जितनी भी समस्या समाधान करना होगा। सर, ओडिशा में 62 समुदाय एसटी है और कुछ समुदाय एसटी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसीलिए मैं वो समुदाय एसटी लिस्ट के बेनिफिट पाने से वंचित है। भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक ट्रांसपोर्ट गठन किया था, जो कि कुछ समुदाय को ओडिशा के एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने सिफारिश किए गए थे। ये समुदाय है तामुरिया, भंजपुरान, पुरान, भक्ता, दुरुआ, जोड़िया, मांकड़िया, पुरुआ कुमार, कंदिया, नाकासिया, पहाड़िया, कालंग, खंडायत, भूया। इन सब संप्रदाय आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए ओडिशा सरकार ने रिकमेंडेशन भेजे थे, लेकिन ये समुदाय को आज तक तो कुछ भी फैसला नहीं हुआ। बात पड़ गए हैं इन समुदाय को तुरंत आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। महोदय, आपका जानकारी के लिए बताती हूँ, कुर्मी समुदाय लोग ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में काफ़ी संख्या में रहते हैं और उनके अधिकार पाने के लिए